Good morning, students. Welcome to plus one class. Students, आपकी plus one class में two books हैं. First book है Hornbill और second book है आपकी snapshot. तो Hornbill आपकी main leader है और जो snapshot book है वो आपकी supplementary है. तो आज हम करेंगे आपकी first poem अपने syllabus की a photograph. ठीक है? क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास सभी बुक्स नहीं होंगी तो आप पोएम कर लेते हैं. फर्स्ट इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं पोएम. ए फोटोग्राफ बाय शर्ली टाउसन. वो ये शर्ली टाउसन एक पोएटेस है. इसके द्वारा इसकी पोएटेस है और इसका नेम फोटोग्राफ. जैसा कि आपको पता फोटोग्राफ का मीनिंग फोटो, तो इसके बारे में पूरी पोएम. ये थ्री फेजेज है इसमें और थ्री फेजेज में वो लाइफ के तीन पार्ट्स डिपिक्ट करते हैं. तो पहले फेज में, फर्स्ट फेज में बताती है ये कि उसकी मम्मी और वो, ये क्या है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ऑथर टू हर मदर. ये अपनी मदर के लिए इसका ट्रिब्यूट है पोएटस का. द कार्डबोर्ड, फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ. फोटोग्राफ शोज मी दिखाई देता है, हाउ इट वाज क्या दिखाई देता है इसमें, कार्डबोर्ड जो गत्ते में फोटो लगी होती है ना, वो फोटो देखती है राइटर. ठीक है, उसमें उसे क्या दिखाई देता है, व्हेन द टू गर्ल कजन, जो दो गर्ल कजन्स हैं, कजन सिस्टर्स, वेंट पैडलिंग, वो पैडलिंग के लिए, नाव चलाने के लिए जाती है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उन दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है. दोनों कजन सिस्टर्स हैं उसकी मम्मी की और दोनों ने उसकी मम्मी का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है. And she the big girl. मेरी मम्मी उन दोनों में से बड़ी है. Some 12 years old. So. कितने वर्ष की है, 12 years old के लगभग उसकी मम्मी है उस टाइम पे. All three stood still to smile through their hair. तीनों लड़कियाँ जो हैं वो स्माइल कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, शांत खड़ी हुई हैं सीधी, और स्माइलिंग फेस है उनका थ्रू हर हेयर. एज इट वॉज ए विंडी डे, तो उनके जो हेयर्स हैं वो उनके चेहरे पर आई उड़ के और क्या है, उलझे हुए लग. ठीक है, हवा से उनके चेहरे पर बाल आए हुए हैं और स्माइल कर रही है. वो स्माइल किस लिए कर रही है, एट द अंकल विद द कैमरा. वो इनकी फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है, थ्रू ए कैमरा, तो उनकी फोटो ली जा रही है, इसलिए वो स्माइलिंग फेस किया हुआ उन्होंने. स्वीट फेस ऑफ माई मदर्स, मेरी मम्मी का जो है फेस बहुत ही स्वीट है उस टाइम पे, बहुत स्वीट लग रहा है उस फोटोग्राफ में. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये उस टाइम की बात है जब लिखी था, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है ये, उसकी मदर के बचपन की बात है, चाइल्डहुड की. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो एंड वॉश्ड, नेक्स्ट लाइन है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. तो ये टू लाइन्स है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनमें से क्वेश्चन भी बताते हैं. एंड द सी, अब इसमें क्या बताती है, क्या बताते राइटर की, जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बहुत कम चेंज होता है, ठीक है ना, जो मतलब ऐसे ही रहता है, स्थिर रहता है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, और जो फीट हैं उनके जो धो रहा है, उनके पैर धो रहा है समुद्र, जो कि टेरिबली ट्रांजेंट, जो ट्रांजेंट मतलब चेंजेस, चेंज हो जाना, क्षण भंगुर होना, जो चेंज होती रहती है चीज, टेरिबली एक्सट्रीमली. तो यहाँ पे क्या मतलब इसमें सिग्निफाई करे फीट, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, जो एक्सट्रीमली चेंज होती रहती है, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और जो मतलब ह्यूमन है वो एक जगह पर भी नहीं रह सकते, वो इधर उधर चल जाते हैं, और उनकी लाइफ में लाइफ चेंज होती रहती है, और उनकी नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, इसलिए कैसे है ये टेरिबली ट्रांजिएंट है उनकी लाइफ. और सी कैसा है, या तो वो चेंज नहीं होता, चेंज होता बहुत कम चेंज होता है. ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का कंपेरिजन. नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट